हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय सचिदानंद जी सबको, मैं कनव गुप्ता लेके आया हूँ एपिसोड नंबर 57 ऑफ प्रोजेक्ट नेली लाइव सेशन विद अ वेरी यूनिक आज तक की हमारी यंगेस्ट गेस्ट जो हैं और 3 इयर्स ओल्ड के। तो 3 इयर्स की मैं बात करूँ, हमें आई डोंट थिंक कि किसी को भी ज्यादा याद होता होगा कि 3 साल की उम्र में हम क्या करते थे। तो हेलो जो भी जुड़ रहे हैं अभिषेक जी राहुल, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही याद होगा कि नाक में उंगली देते थे या फिर निकट संभालते थे या फिर बेड पे लेटे टांग से बॉटल दूध की पकड़ के पी रहे होते थे, या मुझे तो याद है मम्मी मुझे फ्रॉक भी पहनाती थी। तो उस एज की आज गेस्ट हमारे साथ हैं, नाम है उनका कायरा और जल्दी ही उनसे बात करेंगे। वो उनके फादर भी हमारे साथ होने वाले हैं जो कि 3rd degree ब्लैक बेल्ट हैं टाइकोंडो में। तो अगर मैं कुछ गलत हूं तो उन्हीं से जानेंगे इस बारे में। और DPS में वो एज इंस्ट्रक्टर भी हैं। और टाइम ना वेस्ट करते हुए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे जो आज के गेस्ट में सीधा स्टूडियो में ही हैं, मिस्टर सुरेश कुमार जी और उनकी बहुत ही डेडली और फाइटर बेटी। क्या नाम है बेटा आपका? कायरा। और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है। तो सबसे पहले सबको हेलो, राहुल जुगेश सिंह ठाकुर जी MD आर्ट, और आज की हमारी को होस्ट हैं अनदर टैलेंटेड और डुओ है, ब्रदर सिस्टर डुओ है, उनको भी ज्वाइन करा लेते हैं, आध्या एंड आधेव। हेलो सुरेश सर, सुरेश सर ज्वाइन हो चुके हैं। सुरेश सर हमारे पास एक और का स्कोप है आज, तो अगर आप बीच में वीडियो में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। और कायरा को हमने प्रॉमिस किया है कि अगर आप अच्छे से इंटरव्यू तो आज बड़े क्यूट सा होने वाला है। हमारे कंट्रोल में आज कुछ भी नहीं है, हम खाली होप कर सकते हैं कि कुछ चीजें कायरा से पूछ सके और कायरा के पापा जो है सुरेश जी उनसे कुछ पूछ सके। मैं ट्राई करूंगा और आध्या और आदेव जो है ट्राई करेंगे। तो वेटिंग फॉर आद्या एंड आदेव टू ज्वाइन। तो आद्या एंड आदेव का मेजोरिटी ऑडियंस को तो पता ही है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स की शान है, जम्मू के इन्फ्लुएंसर्स की जान है और DPS में पढ़ रहे हैं। आद्या जो है 4th standard में और आदेव 8th standard में। और जुगेश सिंह जी लिख रहे हैं हाय कायरा, उनको लव भेज रहे हैं। तो जस्ट वेटिंग फॉर आद्या एंड आदेव टू ज्वाइन। हेलो भैया, आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा ठीक बीच में, अब आ रहा ठीक? हाँ अब ठीक है। कैसा रहा आपका एग्जाम? बहुत अच्छा रहा। तो रेडी है आप आज हमारी सबसे क्यूटेस्ट और सबसे यंगेस्ट गेस्ट प्रोजेक्ट इन लाइफ के? आज 57 एपिसोड्स हम ये कर रहे हैं और मुझे लगता है एक 6th standard के आए थे, लेकिन आज तो सीधा जो भी स्कूल गए भी नहीं है वो आ गई है सीधा। हाँ। तो रेडी है प्रोजेक्ट इन लाइफ स्टार्ट करें? बिल्कुल। तो जो भी ज्वाइन हो रहे हैं इट्स यानी एंड मैं हूं जम्मू, तो थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस, बने रही काफी इंटरेस्टिंग लाइव और क्यूट सा लाइव होने वाला है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, देखते हैं कायरा क्या करती है आज। तो फाइटर कायरा, फाइटर कायरा से हम बात करने से पहले हम बात शुरू करेंगे उनके पापा से कि स्टार्ट की बात करेंगे कि जैसे कहते हैं कि फैक्ट्री का अगर मालिक अच्छा हो तो प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो आपने जो है आप खुद टाइकोंडो के जो है एक्सपर्ट हैं और इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो इसलिए आपने कायरा को स्प्लिट में डाला कि यहाँ आपने उसका टैलेंट उसने एक पॉइंट पे शो किया इसलिए आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, और किस पॉइंट पे किस एज में उसने वो टैलेंट शो किया? फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कनसोल आपके लिए, आपने हमें इनवाइट किया और आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि फर्स्ट हमें इसको देखो
एक टीचर का, हर कोच का, जो उनका अपना बच्चा होता है, तो वो यही चाहता कि हम अपनी गेम में इसको थोड़ा स्टार्टिंग से ही इसको डालें। तो मेरा तो स्टार्टिंग था कि मेरी बेटी ये बेटा जो भी होगा तो मैं इसको टाइकोंडो में करवाऊंगा। तो जैसे 4 मंथ की, 5 मंथ की हुई ये, तो मुझे इसकी जो एक्टिविटीज थी वो फास्ट थी, तो मैं तो जान गया ये इसका इंटरेस्ट है, इसका इंटरेस्ट है। तो इसका इंटरेस्ट है, फिर मैंने क्या किया, तो इसको मैंने करवाना स्टार्ट किया। जैसे मैंने इसको करवाया, इसका रिजल्ट अच्छा था, इसने अच्छा रिजल्ट देना है, जो भी मैं करवाऊंगी ये कैच कर रही थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 4, 5, 3, 4 मंथ का बच्चा किक्स कर रहा है, वो चलता भी नहीं है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, किक्स कर रहा है। जैसे मैं करवा रहा हूँ, मेरी नेट पे वीडियो है कायरा के नाम से, आप देख सकते हैं। तो 1 साल तक मैंने करवाया, 1 साल तक चलता नहीं बच्चा, चलता नहीं। तो 1 साल तक इसने किया, जो मैंने करवाया स्ट्रेचिंग करवाई तो वो इसने किया। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा चलना स्टार्ट किया, उसके बाद भी स्विच किया, फिर मैंने कंटिन्यू मैंने उसको रखा। तो आज ये वही उसी का रिजल्ट है, ये कर रही है। तो इवनिंग क्लास में जा रहा हूँ वहां पर प्रैक्टिस कर रही है। वो दीदी देख रहे हैं आपको, कह रहा हेलो करो, क्या आपने खाना है अभी? दीदी हेलो करो, हेलो बोला हेलो। तो हमने कह रहा के लिए गिफ्ट भी रखा हुआ है, वो एंड में मिलेगा, तो दीदी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब कायरा का टैलेंट आपके सामने आया, जैसे आपने अली एज में आया, तो ये पूरा दंगल वाला सीन मुझे याद आता, जब आमिर खान को भी उनका टैलेंट पता चलता है, तो आपके मन में भी आया कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है? हाँ वो तो है। तो ओवर टू आद्या, आद्या आपके पूछना चाहते हैं। क्या कह रहे हो भैया? आपके पूछना चाहते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे दंगल में ना सर जैसे दंगल हम वो जो पापा वो अपनी बेटी बेटी को बहुत वो कहते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप भी क्या क्योंकि ये नहीं खाना खाना या जंक फूड चिप्स खाने देते हो? तो वो पूछ रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, कोई डिसिप्लिन में रखते हैं, या जो भी है खाने देते हो जब टाइम है, सोने और उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं, जब मर्जी उठो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका फिक्स टाइम रखा हमने। तो ये सब चीजें इसको नहीं देनी है, जो जैसे हमें इसका लगता है कि ये चीज कभी कभी बीच में जब कोई मन करे इसको, तो वो चीज हम नहीं देते हैं कंटिन्यू, कोई इसकी मर्जी से हम कुछ भी नहीं लेके देते। ऐसा क्या है कि कुछ चीजें बच्चों को खराब लगती हैं, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। तो जैसे कभी हफ्ते में एक बार कभी चिप्स खाने पड़े दे देते हैं, राहुल नहीं, हाँ चॉकलेट है वो अच्छे होते हैं, तो इसके लिए बच्चों इसका फेवरेट है वो हम उसको दे देते हैं, तो बाकी अवॉइड करते हैं। तो हेलो टू ऑल द ऑडियंस। जी जी यादव बोलो। मैं सेकंड क्वेश्चन कि जो टाइको या टाइकोंडो में सारे इसके जितने थी इस यही सबसे छोटी है, वो पूछ रहे कि ये 3 इयर्स में टाइकोंडो अभी कर रही है, तो आपकी नजर में यही सबसे छोटी है कि इससे और भी छोटे बच्चे हैं? नहीं यही है, इससे ही छोटा बच्चा मैंने कभी देखा नहीं करता हूँ। तो इस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि बड़ों को, या मान लो 5-6 साल के बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, और 1, 2 साल या 3 साल के बच्चे को ट्रेनिंग देना, वो उसमें क्या डिफरेंस रहता है कि थोड़ा टफ रहना पड़ता है या नरम रहना पड़ता है? बच्चों के लिए बड़ा टफ है, क्योंकि जो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा 3rd, 4th, 5th या किसी भी क्लास का होगा, तो उसको समझाना थोड़ा इजी होता है। अब छोटे बच्चों को गाइड करना और उसको उसका कंसंट्रेट वहां पर लाना, ये बहुत टफ है। उसकी एज कम है, उसको कंसंट्रेट करवाना और उसकी वो बोल भी नहीं पाता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि अगर आप उसको कंटिन्यूली उसको प्रैक्टिस कराओगे, एक आप मेहनत से कराओगे, वो अच्छा करेगा। इज नॉट लिमिट, मैं कह रहा हूं मैंने 3-4 मंथ से स्टार्ट किया है, इसने रिजल्ट दिया है। देखो अभी 3 साल के है, 3+ की हो गई है, तो आप इसकी किक्स आप देखना वीडियो में, इसकी किक्स जो है आज भी अगर करेगी तो आप भी आज भी देख सकते। चलो वो लाइव देख ही लेते हैं। तो ऑडियंस को मैं बता दूं कि कायरा है, ये 3 इयर्स की है,
और आपको पता ही है 3 साल के बच्चे क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल में जितना है हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी उनकी मर्जी चलनी है आज। तो सर थोड़ी लाइव कुछ डेमो देख लें। पहला फाइटर कह रहा रेडी है, फाइटर का रेडी है, फाइट करोगे वो किक्स करो और स्ट्रेचिंग करोगे किक मारोगे, बोलो यस, बोलो यस, बोलो कह रहा जोर से बोलो हां ग्रेट। तो सर आप बोलो, अब बोलो मैं फाइटर हूं, बोलो फोर्स बोलो। चलो 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 करेंगे, चलो तो मिलते हैं 10 सेकंड में, बाहर हम खुली स्पेस में जाते हैं। ग्रेट फाइटर कह रहा हेड डाउन, वाओ ग्रेट ग्रेट फाइटर कह रहा चलो clapping. So let's get back to the seat. तो लेट्स गेट बैक टू द सेटिंग। और ये मेरे एयरफोन्स, आप इस कायरा को स्टेडियम में सिखाते हो या घर में सिखाते हो? मेरी घर में एक्चुअली इसको मैंने ट्रेन किया कोविड के टाइम पे, तो तब हम घर पे थे। तो अभी मेरी अपनी मैंने क्लास स्टार्ट की है, न्यू क्लास ये अम्फाल में है जो हमारे स्टेडियम। हाँ, क्योंकि हमारे स्टेडियम में थ्री स्किप नहीं जाते। थ्री इयर्स के बच्चे हमारे स्टेडियम में नहीं आते, ये आपके साथ कैसे? नहीं, मेरी अपनी क्लास है ना, वहां पर मैं ट्रेन करता हूं, प्राइवेट क्लास में। ग्रेट। तो कह रहा अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, फिर उसके बाद आपको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है? आपको टाइकोंडो अच्छा लगता है? उधर बोलना ठीक है। आपको सबसे अच्छी किक कौन सी लगती है?
ड्रॉप किक, वेरी गुड। पापा प्यार से सिखाते हैं या डांट के सिखाते हैं? टफ क्वेश्चन। पापा प्यार से सिखाते हैं या डांट के सिखाते हैं? वो हंसी में जवाब हो प्यार गया। से सिखाते हैं, पापा डांटते हैं प्यार करते हैं। चलो स्किप, वो कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोलूं सबके बोलो ना, सामने। पापा क्या करते हैं? डांटते हैं, प्यार प्यार करते हैं। पापा लाड़ी करते हैं या चलो चलो डांटते कोई हैं? बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाड़ी पूछ। करते हैं। लाडी करते हैं। उसे चलो बोलो ना, क्या करते हैं? लाड़ी करते हैं। लाड़ी करते हैं। आप जब टॉय कल्टो करते हो तब थक जाते हो या बोलते हो और करना है? करने और करना है, करते फाइटर कायरा। नहीं, थकते हो आप? नहीं अरे वाह, ये फाइटर है ना, ये थकती नहीं है ना। आप कौन हो? नहीं, फाइटर कौन हो? फाइटर फाइटर। कायरा। आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? अच्छा उसे देखो, क्या खाने में क्या सबसे अच्छा लगता है? ओहो, लेग पीस। चलो मैं पूछूंगा आप कलर्स का, आप मेरे को बताना लाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेड, वेरी गुड। पीला? पीला को? अरे वाह, अब मैं अब टफ करूंगा। गुलाबी को? ओहो, पता है इसको, वेरी गुड। अभी अब स्कूल नहीं, अभी घर पे ही, स्कूल नहीं जाती है ये। घर पे। हाँ रेड, क्या था, बोलो नहीं पूछा। नीला क्या बोलते हैं? नीला, वेरी गुड। उसने खुद से अपना बोनस। और कोई ये चलो लैंग्वेज? आधे आधे पूछेगी, एक दो कलर्स हिंदी में, फिर वो इंग्लिश में बताएगी। दीदी पूछ रहे दीदी हैं, कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देना। काला वो कुकी क्या बोलते हैं? काला। काला कौन सा कलर होता है? ब्लैक। अरे वाह, और कोई? और दीदी ऐसे कर रही है, कहाँ और कोई कर रही है? कहती दीदी यहाँ पे? कहती बहुत अच्छा। काला दीदी कह रहे हैं बहुत अच्छा है। पसंद क्या पसंद है? पिज्जा पिज्जा। पसंद है आपको? नहीं, वो फिटनेस वाली है, टाइकोंडो स्पोर्ट है। दूध? दूध पसंद है? दूध कितना पीते हो? सारा दूध पीती है वो। दूध से क्या होता है? दूध से क्या होता है? दूध से फाइटर बनती हूँ मैं, वेरी गुड। चलो ओवर टू आद्या, अब एक दो क्वेश्चन आपकी तरफ से। हाँ, पर्पल नहीं पूछा, येलो पर्पल ही पूछा। पर्पल को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप आद्या का पूछते हैं हम। येलो पूछ लिया हमने, पीला पूछा। पर्पल नहीं पूछा। को क्या बोलते हैं? हरा को क्या बोलते हैं? हरा हरा का होता है, हरा को हरा हरा, ये वाला कंफ्यूज है। कौन चलो सा? अब ज्यादा ज्यादा लोड ये वाला ज्यादा पूछते लोड नहीं डालते हैं, हैं, ये वाला पूछते हैं। ये कौन सा कलर है? ये वाला। कौन चलो कायरा ने इतनी अच्छी सा कलर अपनी है? वो फाइटिंग भी दिखाई और अच्छे से आंसर्स भी दिए क्वेश्चन के, कायरा के लेके। अब ओ थैंक यू, बोलो थैंक यू। आधे दीदी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी। चलो इससे पूछिए, कौन सा कलर सर? इससे पूछना, ये सर कारा से पूछना, ये कौन सा कलर? ये कौन सा कलर है? पर्पल। वेरी गुड। ओवर टू ऑडियंस ऑल्सो, अगर आप में से किसी को कोई कमेंट करने हैं पापा तो आप देख ही रहे हैं, पापा आउट ऑफ कंट्रोल हमारी लाइव है और ये होनी भी चाहिए। 3 इयर्स की कारा है तो वो ले किसी के अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं। तो आगे आप क्या पूछना चाहते हैं नेक्स्ट? कायरा। आपको मजा आता है इस गेम में? हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट। कितना मजा आता है? जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो भेज सकते हैं। क्या गेम पसंद है? टाइक्वांडो? नहीं, टाइकोंडो के अलावा मैं कह मम्मा को रही हूँ कि आपकी मम्मा को ये टाइक्वांडो गेम पसंद है? कह रहे कि इतने खतरनाक गेम है आपकी मम्मा करने देती हैं? मम्मा को टाइगर पसंद है कह रहे हैं? नहीं, नहीं, क्या बोलती है मम्मा? नहीं। हाँ, मम्मा क्या बोलती है? टाइगर क्या नहीं करना? मम्मा करने को टाइगर अच्छा लगता है? नहीं। क्यों, किसने बोला? नहीं।
मम्मा को तो अच्छा लगता है ना, टाइगोंडो क्या? अच्छा लगता है मम्मा? चलो पानी तो सर मैं इस पॉइंट पे पूछना चाहूंगा कि आगे का आप क्या सोच रहे हैं कायरा को लेके, कि कितने साल का गोल है आपके मन में, कि कुछ बड़ा अचीव करने के सोच रहे हैं, 1 साल 2 साल कुछ टूर्नामेंट आप फोकस जैसे कर रहे हैं? 4+ या 5 एयर की हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ उसको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराऊँ, फाइट 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 में इसको मैं लाऊँ आगे। ओके तो उसके बाद जैसे जैसे अगर अच्छा खेलती है, अच्छा रिजल्ट देती है तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल तो वो जाएगी ही। ओके तो अगर अच्छा रिजल्ट रहा उसका तो मैं इसको चाहता हूँ कि इसको इंटरनेशनल लेवल तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक इसको ले जाऊँ। ग्रेट, उसके बाद एशियन या ओलंपिक्स तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी एशिया तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको वहां तक ले जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सर इससे एक मेरे को फनी चीज याद आती है कि जैसे दंगल में एक सीन था कि उसने जहां से चिकन लेना होता था उसको बोला था कि आगे चल के बड़ी प्लेयर्स बनेंगी तो मुझे चिकन सस्ते में दे दे, तो कभी आपने किसी चिकन वाले को या दूध वाले को बोला देखो हमारी लड़की फाइटर है आगे जाके नाम बड़ा करेगी थोड़ा रेट कम करो? नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। जैसे मैं सुना है, ये मेरे साथ शाम को आती है, वहां से मैं लेट भी हो जाता हूँ, वहां से मैं लेट होता हूँ 8, 8:30, 9 बजे आते हैं। तो कई बार इसकी डाइट के लिए मैं उसको नॉनवेज को वहां से फिश वगैरह या इसको कई बार मैं खिलाता हूँ ताकि इसमें एनर्जी आए। ओके तो वहां पर यूनिफॉर्म पहन के जाती है ना, तो वो अंकल इसे जानते हैं, जानते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतना खा लेता है, मतलब इतने छोटे बच्चे खाते ही नहीं है उसको, तो ये खा लेती है। तो वो मुझे कहते थे यार ये बच्चा बड़े को कुछ बनेगा, तो मैं उसको कहता हूँ मैं ठीक है सर, जब बनेगा तो बंदा याद होना, उसको भूल नहीं जाना, हमें भी भूल नहीं जाना, तो ये बना मैं उसको बनाऊंगा। कहता नहीं कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे। तो थोड़ा बहुत कम करने की बात मैंने नहीं कही, लेकिन ये है कि याद रखने के लिए मैंने कहा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरेश सर लिख रहे हैं वंडरफुल टाइकोंडो एक्शंस बाय कायरा, कीप इट अप, गॉड ब्लेस। तो सुरेश सर आपके कमेंट्स कायरा मम्मी क्या उठती पूछ रहे हो? मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? सात सुबह कितने बजे उठते हो? बजे 7 बजे? 7 बजे 7 बजे खुद उठते हो कोई उठाता है? पक्का? हाँ पक्का। प्यास लग गई परी, फाइटर को प्यास लग गई है। फाइटर को प्यास लगी है ना, कायरा आती है। तो ओवर टू ऑडियंस नाउ, इंचा हुसैन, आकाश वी, आकाशवी सिंह, ऑफिशियल अजय जी, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितनी कंट्रोल में हमारी ये लाइव है, हमारे सब कुछ कंट्रोल में है, कायरा भी हमारे कंट्रोल में है, तो बेसिकली कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो आद्या हमारे साथ हमारा साथ दे रही हैं, तो ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम सर को पूछ सकते हैं। तो कायरा तो आप देख ही रहे कितने मूड में, तो मैं अपना काउंटडाउन शुरू करूंगा 20 का, उसमें अगर आपको ज्वाइन होना है वीडियो में कुछ पूछने के लिए, हाँ आप जाते हैं, तो 20 का काउंटडाउन है, फिर उसके बाद हम एग्जिट कर लेंगे, हमारी फाइटर को भी झंझा है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो काफी अच्छी अच्छी बातें हुई, थैंक यू आद्या, एंड थैंक यू सर जो इस और टाइम पे, रात का टाइम है, और सर जी 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 आप पूछो, मिल खाते हो अभी? जी फिर से बोलना आप। मैं कह रही हूँ कि आप हमारे स्कूल में सिखाते हो? अच्छा, हाँ मैं डीपीएस में सिखाता हूँ वहां पे आप कायरा को कभी लेकर आना, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कभी। ठीक है, कर दीदी बोलिए आपको मिलेंगे, हम स्कूल में मिलोगे ना आप? अ न्यू स्पोर्ट्स स्टार इज बोर्न इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, सुरेश सर बहुत बढ़िया लाइव, एंड कमलेश जी हैज ज्वाइंड। सर जल्दी से आप बताएं आप क्या बात करना चाहते हैं सर से या कायरा से। बात करने हैं आपसे। हेलो भाई, बोला हेलो, बात करने आपसे बात करने आए ना? कौन? देखो जी कमलेश जी बताइए।
कैसे हो? बहुत हाय, बड़े कमलेश जी, कहाँ से आप? हम चितपुर। जी बताइए, देखिए आप लाइव पे पूछना चाहते हैं आप। चितपुर आप कहाँ से बोलते हो? हम सर जम्मू से, जम्मू से? जम्मू जम्मू। ठीक। तो आपको कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम अब एग्जिट करेंगे। कुछ नहीं पूछना है। ठीक है सर। तो थैंक यू एवरीवन। सुरेश सर लिख रहे हैं, कमिंग टाइक्वांडो चैंपियन, क्रेडिट गोज टू अवर फादर फादर। सुरेश सर लिख रहे हैं, एंड शू हैज ज्वाइंड सीता। तो थैंक यू हमारी चैंप को अर्जेंटली अब जाना है। तो क्यूट सा लाइव सेशन हमारे जो फुल कंट्रोल में था उसको एंड करते हैं। आईजीटीवी पे वन गो में आप देख सकते हैं, और जब ये थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर एक और करेंगे। जी आद्या बोलिए। करना भैया सर के साथ लाइव करके। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बेटा। तो थैंक यू।